आज हम बात करेंगे भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले, राकेश झुंझुनवाला भी जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, डीमार्ट्स के फाउंडर और भारत के सबसे सफल निवेशकों में से एक, भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी राधाकृष्ण दमानी की। एवेन्यू सुपरमार्केट, जो कि डीमार्ट के नाम से रिटेल चैन चलाती है, आज देश की 18वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। डीमार्ट्स के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी को रिटेल बिजनेस का किंग माना जाता है। डीमार्ट्स आज भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट्स चैन है। राधाकृष्ण दमानी ने डीमार्ट की शुरुआत सन 2002 में की थी। नवंबर 2019 तक कंपनी की वैल्यूएशन 1,14,000 करोड़ के पार पहुंच जाती है। आज राधाकृष्ण दमानी की कुल संपत्ति $17.8 बिलियन है, यानी कि करीब 1,27,000 करोड़ रुपए, और ये भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राधाकृष्ण की पूरी जीवनी, उन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ रुपए कैसे बनाए और साथ ही डीमार्ट्स के बिजनेस मॉडल्स को जानेंगे। तो यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत 1954 में होती है, जब बीकानेर के एक मारवाड़ी परिवार में राधाकृष्ण दमानी का जन्म होता है। उनके पिता शिव किशन दमानी भी शेयर बाजार में स्टॉक ब्रोकर थे। राधाकृष्ण दमानी बीकॉम करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं। इसके बाद वो बॉल बैरिंग का काम शुरू करते हैं, लेकिन पिता के मृत्यु हो जाने के बाद भाई के कहने पर अपने फैमिली बिजनेस में एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उन्हें ज़्यादा पैसा कमाना है तो उन्हें खुद के पैसों से ट्रेडिंग करनी चाहिए, और जल्द ही उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में उन्होंने ट्रेडिंग करके और MNC कंपनियों में ट्रेडिंग करके बहुत पैसा बनाया। फिर 90 के दशक में हर्षद मेहता स्कैम के दौरान इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके करोड़ों रुपए कमाया। हर्षद मेहता ने कुछ स्टॉक में हेवली खरीदारी करके उन्हें बहुत ऊंची प्राइस लेवल पर पहुंचा दिया था। हर्षद मेहता ने ACC का स्टॉक कुछ ही दिनों में 200 रुपए से 9,000 रुपए तक पहुँचा दिया था। उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स उनके बढ़ते हुए प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, बट फिर भी उन स्टॉक्स के प्राइस आसमान छू रही थी। उस टाइम पे राधाकृष्ण दमानी इन सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था हर्षद मेहता उन स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है। वो जानते थे ये स्टॉक्स इतने हाई वैल्यूएशन पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, और जैसे ही हर्षद मेहता का फंड ख़त्म हो जाएगा वो स्टॉक्स गिर जाएंगे। जिन स्टॉक्स की वैल्यूएशन को हर्षद मेहता बढ़ा रहा था उन स्टॉक्स पर राधाकृष्ण दमानी शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन राधाकृष्ण दमानी को ये पता नहीं होता है कि हर्षद मेहता के पास कितने फंड्स हैं। हर्षद मेहता लगातार स्टॉक्स को हेवली प्राइस पर खरीद रहा था और इसी वजह से स्टॉक्स के प्राइस नीचे आने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से राधाकृष्ण दमानी को एक दो बार काफ़ी बड़े लॉसेज झेलने पड़े। लेकिन जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तो वो स्टॉक्स भारी मात्रा में नीचे गिरी, और शॉर्ट सेलिंग की वजह से राधाकृष्ण दमानी को भारी मात्रा में फ़ायदा हुआ, और इसके बाद राधाकृष्ण दमानी का नेटवर्थ काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद राधाकृष्ण दमानी मिस्टर चंद्रकांत संपत, जिन्होंने 1970 के दशक में वैल्यू इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी पैसे बनाए थे, से इंस्पायर होकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। राधाकृष्ण दमानी ने अपना ज़्यादातर प्रॉफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही कमाया है। राधाकृष्ण दमानी एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। 1995 में जब राधाकृष्ण दमानी HDFC बैंक के एक बहुत बड़े शेयर होल्डर्स थे, तब कुछ इन्वेस्टर्स ने उनसे पूछा था मार्केट में बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स और दूसरे स्टॉक्स चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं, तो फिर आप HDFC बैंक के शेयर्स में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। उस टाइम पे HDFC बैंक का वैल्यू मात्र 400 करोड़ था, लेकिन आज HDFC बैंक भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली बैंकों में से एक है। सिमिलरली राधाकृष्ण दमानी ने साल 2000 में BST इंडस्ट्रीज के करीब 15% शेयर 80 रुपए के औसत भाव पर खरीदा था। आज इसका एक शेयर 4,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सन 2000 में जब चेतन पारिकर ने भी स्कैम किया था,
तब भी राधाकृष्ण दामानी ने शॉर्ट सेलिंग करके बहुत सारे प्रॉफिट बनाए थे। डीमार्ट शुरू करने से पहले राधाकृष्ण दामानी ने नवी मुंबई में अपना बाजार का फ्रेंचाइजी लिया था, जिससे उन्हें रिटेल बिजनेस की बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी। अब उनके पास काफी सारे पैसे हो गए थे, अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। 2002 में इन्होंने डीमार्ट की स्थापना की। 15 मई 2002 को इन्होंने अपना पहला स्टोर पवाई हीरानंदनी गार्डन्स में लगाया। पूरे भारत में आज करीब डीमार्ट्स के 200 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। 20 मार्च 2017 तक राधाकृष्ण दामानी सिर्फ एक रिटेल कंपनी के मालिक थे, लेकिन 21 मार्च की सुबह जैसे ही उनकी कंपनी की ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शुरू होती है, वैसे ही उनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ जाती है और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 39,985 करोड़ के पार पहुंच जाती है। नवंबर 2019 तक कंपनी की वैल्यूएशन 1,14,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। आज डीमार्ट्स इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट चेन है। जितना प्रॉफिट रिलायंस जैसी कंपनियां अपने 600-700 स्टोर से कमाते हैं, डीमार्ट्स उससे ज़्यादा प्रॉफिट सिर्फ अपने 200 स्टोर से कमा लेता है। अब आइए डीमार्ट्स इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ ये जान लेते हैं। 2001-2 में रियल इस्टेट्स के भाव काफ़ी गिर चुके थे, जिसका राधाकृष्ण दामानी ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तभी से डीमार्ट्स के लिए अलग अलग लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया था। उन्होंने साइड एरियाज पर भी काफ़ी प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि वो जानते थे कुछ साल बाद शहर का विस्तार होगा और वो सारे साइड एरियाज मेन एरियाज में आ जाएंगे, और वही हुआ। आज उन सारे प्रॉपर्टीज़ पर डीमार्ट्स के स्टोर्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं और उन स्टोर्स पर रिलोकेशन का खतरा भी नहीं है और रेंट के पैसे भी नहीं लगते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिटेबल होने में काफ़ी मदद मिली है। शुरुआत में इन्होंने बिजनेस जल्दी जल्दी बड़ा करने के बजाय अपने प्रॉफिट पर ध्यान केंद्रित किया। डीमार्ट्स किराए पर ज़मीन लेने के बजाय अपना स्टोर्स के लिए ज़मीन खरीदना पसंद करते हैं। डीमार्ट्स के करीब 85% स्टोर्स खुद के जगह पर हैं, लेकिन कहीं पर यदि ज़मीन खरीदना पॉसिबल नहीं है तो उसे लॉन्ग टर्म यानी कि 20 से 25 सालों के लिए लीज पर ले लेते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि बाकी स्टोर्स वाले सिर्फ किसी फेस्टिवल सीजन या किसी खास दिन में ही डिस्काउंट देते हैं, वहीं डीमार्ट्स डेली डिस्काउंट देता है। जिस तरह से डीमार्ट्स में लोगों को डेली डिस्काउंट मिलता है, तो लोग अपने पड़ोसियों और दोस्तों को डीमार्ट्स के बारे में बताते हैं, जिससे डीमार्ट्स की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है। इस वजह से डीमार्ट्स की मार्केटिंग फ्री में हो जाती है और उन्हें मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है लोकल प्रोडक्ट। डीमार्ट्स अपने स्टोर पर लोकल प्रोडक्ट भी रखती है, जिसका कोई ब्रांड तो नहीं होता, लेकिन लोकल एरियाज में वो प्रोडक्ट काफ़ी फेमस होते हैं। आमतौर पर लोगों को ऐसे प्रोडक्ट किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलती है और लोगों को वो सामान बाहर दुकान से लेना पड़ता है, लेकिन डीमार्ट्स में वैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं और साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्ट पर डीमार्ट्स क्वालिटी मेंटेन भी करके रखता है। नेक्स्ट है लोग डीमार्ट्स पर शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि डिस्काउंट होने की वजह से जाते हैं। डीमार्ट्स अपना कोई भी स्टोर किसी बड़े मॉल में नहीं खोलता है और ना ही फालतू के लाइटिंग में कोई ज़्यादा पैसे खर्च करता है, जिससे उन्हें प्रॉफिटेबल होने में काफ़ी मदद मिलती है। जहाँ बाकी रिटेल कंपनी सप्लायर को माल मिलने के 1 से 4 हफ्तों के बाद पेमेंट करती है, वहीं डीमार्ट्स सप्लायर को सेम डे पेमेंट करती है, जिससे कि डीमार्ट्स को सप्लायर काफ़ी डिस्काउंट देते हैं। इससे डीमार्ट्स को अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने में काफ़ी मदद मिलती है और इसी डिस्काउंट की वजह से लोग डीमार्ट में जाना पसंद करते हैं, जिससे डीमार्ट्स के सामान बहुत जल्दी बिक जाते हैं, जिससे वजह से डीमार्ट्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सामान मंगाती है, जिससे डीमार्ट्स को और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और वही डिस्काउंट डीमार्ट्स अपने कस्टमर को देती है। वॉरेन बफेट की तरह ही राधाकृष्ण दामानी भी एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं। आज उसी का नतीजा है कि ये भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। राधाकृष्ण दामानी हमेशा मीडिया से दूर रहते हैं, वह हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और शेयर बाजार के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बीच मिस्टर वाइट एंड वाइट के नाम से फेमस हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।